नमस्ते दोस्तों, मैं देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे स्टूडियो। दोस्तों मैं आज आपको व्हील लेथ मशीन पर डेमो का जो डीपीसी है उसको किस तरह से लोड करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है मॉनिटर है, इस मॉनिटर में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसा कि कोच के लिए अलग होता है, लोगों के लिए अलग होता है, व्हील के लिए अलग, लूज व्हील के लिए अलग होता है, कैलिब्रेशन के लिए अलग होता है। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ और डीपीसी चेंज करते समय क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे। अभी हमने एटो डब्ल्यू में इसमें गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो एडिट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमको चार है देना है, चार लोगों के लिए करना है। तो दोस्तों ये हम लोग क्या करते हैं, ये कैलिब्रेशन, दो कोच वैगन, तीन सिंगल व्हील के लिए और चार लोगों के लिए। तो दोस्तों जो डीपीसी है, तो डीपीसी को लोड करते समय हमको चार नंबर में लोड करेंगे, मतलब लोगों का जो नंबर है चार है, जो प्रेशर अधिक रहता है उसमें लोड करेंगे और उसको वापस हम लोग वापस दो नंबर में करना रहता है। बाकी दूसरे जो लोको रहता है लोको को लोको में ही रहने देंगे, कोच वैगन को कोच में ही रहने देंगे, लूज व्हील को और सिंगल व्हील को भी और कैलिब्रेशन व्हील को भी उसी में रहने देंगे। लेकिन डीपीसी में ऐसा नहीं है, डीपीसी में केवल लोड करते समय उसको चार नंबर देंगे और वापस लोड होने के बाद में दो नंबर कर देंगे कोच में। तो यही फर्क होता है दोस्तों कि डीपीसी लोड करते समय और कोच वैगन लोड करते समय। तो मैं अभी इसको चार नंबर देखे अब लोड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वापस इसको दो नंबर कर दूँगा, मतलब कोच वैगन में कर दूँगा। तो आप भी ध्यान रखें, जब भी इसको वैगन कोच जो वैगन है उसको दो नंबर में कर दें। तो मैं इसको अभी लोड करने जा रहा हूँ। लोड ये इसको कहते हैं दोस्तों होल्ड डाउन, और ये जो अभी लग रहा है इसको कहते हैं क्रॉस स्लीव। ये होल्ड डाउन हम लोग दोनों साइड का लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो खास है ये डीपीसी के लिए है। तो डीपीसी को किस तरह से लोड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर यदि दो नंबर में यानी कोच के नंबर में उसको उठाते हो तो वो डीपीसी हेवी होने के कारण लोड नहीं हो पाता है, इसलिए हमको उसको कोच के नंबर में मतलब चार नंबर में उसको लोड करना रहता है, ऊपर उठाना होता है और उठाने के बाद में लोड होने के बाद में वापस उसको दो नंबर में यानी कोच नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये विशेष डीपीसी के लिए ध्यान रखना होता है। अभी हमारे दोनों साइड के होल्ड डाउन लग गए हैं, तो हमने इसको जो चार नंबर में लोड किया था। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको दो नंबर में यानी कोच के नंबर में कोच के प्रेशर में इसको वापस चेंज करने वाले हैं। अब यहाँ पे चार नंबर में हमने लोड किया था, ठीक है, तो अभी वापस हम लोग इसको दो नंबर दे देंगे कोच के लिए। तो भाई दो नंबर क्या है और चार नंबर क्या है, तो दोस्तों दो नंबर कोच के प्रेशर के लिए होता है और चार नंबर लोगों के प्रेशर के लिए होता है। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो डीपीसी हेवी होने के कारण उसको आसानी से लोड कर देता है, ऊपर उठा लेता है। तो दोस्तों अभी हमारा डीपीसी पूरी तरह लोड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर साइकिल देने के लिए यानी इंस्पेक्शन करने के लिए रेडी है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।